अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्यूअर्स, आज हम दोबारा आए हैं बहादुराबाद के ऊपर। हमने आज आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बहादुराबाद में वॉक ऑन फायर टेस्ट करवाया था। अब हम यहाँ पर आए हैं बहादुराबाद के ऊपर, तो चले हैं। हमने बोला आज हम थोड़ा इंडियन फूड ट्राई करते हैं, तो आज हम यहाँ पर आए डोसा ट्राई करने के। तो ये सामने डोसा की शॉप है, हैदराबाद के ऊपर फेमस शॉप है डोसा की, इसका नाम डोसा पॉइंट इसका नाम है। तो चले चलते हैं हम अंदर और इस शॉप के जो ऑनर है उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि यहाँ का फेमस और स्पेशल डोसा कौन सा है। चले चलते हैं। लेकिन ये फुल स्क्रीन है, डोसा लगा हुआ है, सब बन रहा है यहाँ पे डोसा वगैरह। चलिए व्यूअर्स, मेरे सामने यहाँ के ऑनर खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान। अदनान, तो अदनान भाई आप मुझे ये बताएं, ये कितने टाइम हो गया इस शॉप को खोलने में? 96-97 में शुरू किया था, 27-28 साल हो गए। माशाल्लाह 27-28 साल हो गए। तो आपको कैसा रिस्पांस मिला इन 27-28 साल में? रिस्पांस अच्छा है, जब भी तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे नहीं, आप जब आता है जब आप ईमानदारी से काम, मेरे सामने बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले लाखों करोड़ों लॉस करते हैं। दुकान पे तो पैसे बहुत लगा देते हैं, जो इंग्रेडिएंट वो सेल कर रहे हैं ना जी, उसमें वो ढूंढ रहे होते हैं सस्ते से सस्ता आइटम। ऑब्वियसली खाते ही आदमी को पता चल जाता है। मैं हर चीज़ ब्रांडेड, हर चीज़ फ्रेश लगाता हूँ, शुक्र है अल्लाह। तो राज बता रहा हूँ, राज ये आपको देखें, राज बता रहे हैं आपको अदनान भाई। तो अदनान भाई आप मुझे यहाँ की स्पेशलिटी बताएं। स्पेशलिटी देखो, डोसा बजाते खुद एक स्पेशलिटी है कराची या पाकिस्तान की जी, क्योंकि पाकिस्तान में सारा गोश्तखोरी है, गोश्तखोरी सही बात है ना। तो ये वेजिटेरियन आइटम है, ये जो है कम है और हेल्दी फूड है, क्योंकि माश की दाल और चावल से बनता है। तो ऑब्वियसली इसमें मतलब ये कि खा के आपको हैवी फील नहीं होगा, ऑयल अच्छा यूज करते हैं ब्रांडेड। तो अभी हमारे पास कौन कौन सा डोसा है? तीन डोसे हमारे पास, मसाला डोसा, आलू वाला, कीमे का और चिकन। तो इसमें से स्पेशल कौन सा है इन तीन डोसों में से जो ज़्यादा ज़्यादा मोस्ट सेलिंग है? मोस्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा मसाला है, फिर मसाला है, फिर कीमा है। मेरा पर्सनल जो है वो कीमा है। तो बस फिर आप हमको कीमा डोसा ट्राई करवाएं, फिर हम ट्राई करेंगे अपने व्यूअर्स को आगे बताएं ना कैसे है सर। फ्लेवर पता चलेगा तो फिर फ्लेवर पता चलेगा, मगर होता ही है बेटा के फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ भी ट्राई करते हो ना जी, तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल दो देता है जी, या तो बहुत मज़ा आया या तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात नहीं, तो ऑब्वियसली जो टेस्ट डेवलप होता है ना, जैसे चावल और माशी दाल का ये डोसा है, हम लोग जो बचपन से खाते आ रहे हैं, हम मैदे की आटे की रोटी खा रहे हैं जी, चावल की तो नहीं खा रहे हैं चावल, राइट जी, सही बात। ऑब्वियसली उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भारत होता मज़ेदार है, क्रिस्पी भी होता है, ऑयल कम यूज़ होता है। पराठा हम क्यों खाते हैं? लगता है क्रिस्पी, सही बात, इसी वजह से हम पराठा खा रहे हैं। ये सम सॉर्ट ऑफ पराठा, मगर फूड वैल्यू चेंज है इसकी, सही। तो आप खा के बताइए, आपसे कीमे का ऑर्डर कर लेते हैं। तो अभी अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमारे लिए कीमे वाला डोसा बनाएं सीना, और थोड़ा हमको बनाते हुए भी दिखाएं किस तरह बनाते हैं, और उसमें इंग्रेडिएंट्स बताएं क्या क्या इसमें आप डालते हैं सीना। ये सामने ये डोसा है, ये डोसा है जैसे आपको अदनान भाई ने बताया। अभी जाहिर सी बात है, आप जब कोई चीज़ नहीं ट्राई करते हैं तो या तो आपको वो बहुत अच्छी लगती है या फिर आप उसमें कंफ्यूज हुए होते हैं। तो अभी हमने अभी ट्राई करके आपको बताएंगे या हम कंफ्यूज होंगे या हम इसके अंदर इसको पास कर देंगे। चले अभी बना रहे हैं, तो जब ये बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे किस तरह बना रहे हैं, किस तरह इसकी मेकिंग होती है। तो चले अभी बना रहे शुरू करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह इसको जो है ना, ये बहुत हार्ड वर्क है इसको इस तरह जो है ना पलटाना। तो इसको पर कुछ टॉपिंग नहीं हो रही अब तक, वहाँ पे जो बंद है ना डोसा उसको चल के आपको दिखाते हैं। अब ये हम इधर वापसी आ गए। ये कौन सा डोसा बना रहे हैं आप? ये चिकन डोसा है। चिकन डोसा है ये, इनका चिकन है सही है ना, मैरिनेट हुआ हुआ है चिकन, कुक हुआ हुआ है, और ये इधर इनका आलू है सही है ना। अभी ये भाई बना रहे हैं चिकन डोसा, या ये आलू डोसा वो चिकन डोसा। ठीक है, चलिए अब तक हमारी डोसे की मेकिंग स्टार्ट होती है, तब तक हम आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं जो ये डोसे में डालते हैं सही है ना। पहले तो हमारे पास आ गया ये चिकन सही है ना, फिर हमारे पास आ गया ये पोटैटो सही है,
फिर हमारे पास ये डोसा की जो वो दो जो बनते ना डोसा का, जिससे डोसा बनता है ये वो है नहीं है ना, और साथ ही में ये है मेरे ख्याल से कीमा, कीमा डोसा जो कीमा जिसमें कीमा लेते हैं, जिस डोसे में कीमा ही कीमा है सही ना, ये आ गया कीमा, ये चिकन आ गया सही ना, और ये पोटैटो आ गया, और साथ के अंदर उसकी डोसा की जो है ना जो डोसा का जो बनता है ना जो मिक्सचर है वो है। तो यहाँ पर डोसा बनना है साढ़ो रहे, अब इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे और अच्छा इसमें ये देख ये लगा दे भाई माशाल्लाह लग तो बहुत बेहतरीन है। आप वही बात है ना, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब ये हमारा जब बनना शुरू होगा फिर हम आपको दिखाते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए वेट करें। तो चलें आप कीमा डोसे की मेकिंग स्टार्ट हो रही है सही ना। पहले तो ये इसका मिक्सचर आ गया सही है, ये मिक्सचर देखने फुल बेहतरीन हो गया, फुल बेहतरीन। इस तरह इसको राउंड करना, किस तरह ये पेस्ट फैल रहा है इनके तवे पर, तो बड़ा वाला तवा है इनका, इस साइड के ऊपर भी है सही ना। एक और आ गया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा डोसा है इसका, तो डोसा है ना नीचे, इसकी जो ब्रेड है वो काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है। तो और ये सामने इनका प्राइस बोर्ड लिखा हुआ है, ये प्राइस बोर्ड के ऊपर मसाला डोसा, कीमा डोसा, चिकन डोसा और प्लेन डोसा ब्रेड, इसकी प्राइस आपको लिखी हुई नजर आ रही है। इससे बात इतनी प्राइस है तो कुछ ना कुछ खास होगा। अब ये बनता है तो फिर इसका टेस्ट करके इसका रिव्यू देते हैं आपको सही है ना। फुल स्टीम निकल रही है इस पर, इसको ऑयल डाला है हल्का हल्का। ये ऑयल किस लिए डालते हैं इस पर? क्रिस्पी करने के लिए। तो पर जो ऑयल डाले वो क्रिस्पी करने के लिए डाला है, ताकि जो इसकी जो किसी की ब्रेड है वो क्रिस्पी हो जाए। अभी आ गया हमारे पास कीमा सही ना, वहाँ पर उसकी ब्रेड पक रही है डोसे की सही है। ये देख, ये इसको ऊपर कीमा इसको फैला दिया पूरी ब्रेड को ऊपर, देखें काफ़ी लंबी और क्वांटिटी भी ज़्यादा डाली कीमे की सही ना, ऐसा नहीं है कि कम क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी भी ज़्यादा ही कीमे के साथ साथ। अभी जब ये ब्रेड निकली पक जाएगी उसके बाद फिर इसको जब ये फोल्ड करेंगे तो उसको आपको दिखाऊंगा बॉलने के लिए ठीक ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें जब तक ये पके थोड़ा टाइम, उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा। चलें फाइनली वो टाइम आ गया, अभी कुछ ही टाइम के अंदर ये फाइनल पक जाएगा। इधर ये आलू डोसा बन रहा है, उधर वो कीमा डोसा बन रहा है। ये देखें ये इस तरह फोल्ड होता है, तो एक और दफ़ा इसकी फोल्डिंग होती है ये ना। ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन जो इसके जो स्पेशलिस्ट हैं इनको करना आता है वही खाली कर सकते हैं, इसलिए इस तरह कट करें। तो चलें व्यूअर्स, फाइनली हमारा डोसा कीमा डोसा बन गया है, तो हम चलते अपनी टेबल पहले सेलेक्ट करके टेबल पर बैठते हैं, फिर आपको उसका रिव्यू देते हैं किस तरह का। ये सामने आगे जाते हैं थोड़ा, अच्छा है यहाँ पे बहुत बड़ी जो ना वो फूड कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे इनका जो है ना, ये हम टेबल ये वाली टेबल लेते हैं और इसके ऊपर बैठ के इसका रिव्यू देते हैं सही है। चलिए सामने हमारा डोसा है, अभी हमने हमारे डोसा आ गया फाइनली सामने कैमरा मैन है, उसको हम देते हैं ताकि जो है ना वो कैमरा पकड़े और हम आपको आराम से इसका रिव्यू दे सकें। ये आ गया कीमा डोसा सही है ना, और ये इसके साथ दाल है सही ना, और ये दही की कोई चटनी है इसके साथ, दही की चटनी है मेरे ख्याल दही की चटनी है सही ना। और देखिए माशाल्लाह इस डोसे की प्राइस है 600 सही ना, कीमा डोसा है, चिकन डोसे की प्राइस है 600 और आलू डोसे की प्राइस है 500 सही ना। तो ऐसे नहीं कि इस प्राइस के अंदर ये बहुत कुछ छोटा डोसा दे रहा है, माशाल्लाह देखिए बड़ा है काफ़ी, ये दो पीस ये रहे सही है, और ये और आ गए, यानी कम से कम ये 2% आराम से खा सकते हैं। तो चले अब हम इसको ट्राई करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इसका आप हुए कि मीट उसी का ओवर स्पीड हो गई जी कम से कम, ये हमारे पास इधर 2 टाइप्स ऑफ चटनीज हैं, एक तो दाल है और दूसरी कोई चटनी है उसके साथ। पहले तो ऐसी नॉर्मल चटनी की ट्राई करके बनाता है आपको, फिर हम फर्स्ट बाइट है अच्छा
तो देखिए कीमा भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लो डिटेकी में, ऐसा नहीं कि कीमे की कम क्वान्टिटी इसमें ना, तो फुल फ्लेवर आ रहा है अंदर कीमे का। सही है, आप इसको हम ट्राई करते हैं इस वाइट चटनी के साथ। सो व्यूअर्स, फाइनली हम डोसा खा के फारिग हो गए। सही ना, जैसे कि मैंने आपको बताया डोसा का टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पर आएँ तो आप इनका कीमा डोसा भी ट्राई करें और इनका जो है ना आलू डोसा भी ट्राई करें। सही ना, तो जो डोसा लवर्स हैं वहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ का डोसा ट्राई करें। हम आ गए अदनान भाई के पास। अदनान भाई, माशाल्लाह हमने आपका ये कीमा डोसा ट्राई करा, बहुत अच्छा था, यूनिक चीज़ें। असल में मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करी तो मुझे अच्छी लगी। तो वही आपकी बात, जब बंदा टेस्ट करता है तो उसको या तो कंफ्यूज आता है या उसको अच्छी चीज़ लगती है। मुझे अच्छी लगी चीज़, तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस आपके व्यूवर्स आएँ यहाँ पे खाएं। मंडे ऑफ होता है हमारा यूजुअली, कल ऑफ है, आज संडे है, और 7 बजे से 1:30 बजे तक होते हैं, शाम 7 से 1:30 बजे तक होते हैं। लोकेशन जो है वो बिल्कुल चार मीनार के सामने है, और चार मीनार बाजाबाद, और 200 रेस्टोरेंट हमारे बराबर। और इंशाल्लाह ओपनिंग कर रहे हैं अपनी दूसरी ब्रांच, अपनी जो प्रॉपर दुकान के अंदर है, तो वो जो है इंशाल्लाह वो भी तो वो एक आपका प्रॉपर सेटअप जाएगा फिर। ये भी प्रॉपर ही, प्रॉपर ही 30-40 लोग, लेकिन वो जब एक शॉप पूरी हो जाएगी फिर तो वो एक अलग बात आ जाती है। प्रॉपर वाला भी बड़ा अजीब हमारे यहाँ ना, ये जो स्टाइल है ना, ये अमेरिकन स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल, अमेरिका में आज से 50 साल पहले भी लोग इस तरह मोबाइल वैन रेस्टोरेंट के लाते हैं, मोबाइल वैन रेस्टोरेंट, तो कैओस भी बोलते हैं इसको बहुत से लोगों को, छोटे छोटे मारे में जी। तो बहरहाल ये जो है अमेरिकन स्टाइल है, यहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस अब बहुत हो गए, माजरात में 25-30 हो गए ऐसे लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर आदमी का शॉप अफोर्ड नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, यहाँ पे रेंट जो है 3-4 लाख छोटी दुकान का, ये बात तो है। तो वो जितने लोगों ने ये सोचा कि नहीं मैंने करना ही शॉप पर है, तो वो फिर लॉस करके निकला। सही बात, क्योंकि देखो ना, आपको स्टार्ट जब करते हैं कोई काम तो इट टेक्स टाइम, 6 महीने 8 महीने साल भी लगता है दुकान को जमाने में। 1 साल का लॉस बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोगों के बैकअप 2 महीने का होता है, 3 महीने का, उसके बाद सब खत्म हो जाते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं और काम करने के तरीकेकार होते हैं, ये पहले जहन में रखना पड़ता है जी। सही, और सबसे बड़ी चीज़ के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आप फूड लेकर आओ। मैं यंग जनरेशन को भी इनकरेज करूँगा इस बात में कि कोई काम छोटा नहीं होता, एक चीज़। दूसरी चीज़, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ट ऑप्शन है। सही बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद काम करें, खुद ही कमाएं, नौकरी क्या करने की चीज़। सही बात, बहरहाल नौकरी भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक अपना एक ओन बिजनेस होता है ना, तो फिर उसकी बात अलग होती है। तो उसका जो जितना रेवेन्यू आ रहा होता है वो आपको ही आ रहा होता है, आपको आ रहा होता है, जॉब देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जॉब भी एक टाइम करते हैं, हमने भी करी एक टाइम में जॉब, काफ़ी टाइम हो गया आप काम करते हैं। अदनान भाई थैंक यू, मैं काफ़ी ऑनर्स होते हैं आएंगे जो बिजी हो रहे होते हैं तो वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते। माशाल्लाह आपने हमको टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपका डोसा भी ट्राई करा, वो भी बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, अपने व्यूअर्स को भी ये कहूँगा कि वो भी आएँ और ये डोसा पॉइंट का डोसा ज़रूर ट्राई करें। सही ना, तो चले अदनान भाई, थैंक यू। सो व्यूवर्स, जैसा आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे डोसा पॉइंट को पराठे भाजपा बात पर, यहाँ पर हमने डोसा ट्राई करा, कीमा डोसा। इनके 3 टाइप ऑफ डोसा हैं, एक है आलू डोसा, कीमा डोसा, चिकन डोसा। सही ना, उनका कीमा डोसा बहुत बेहतरीन था। सही ना, आप लोग भी आएँ जरूर ट्राई करें, उसके बाद मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आ रहा हूँ यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स लास्ट में करा करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।